हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और आज मैं ऐसा क्यू एंड ए यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स लेकर आई हूँ। जितने भी हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको जो वो प्रॉब्लम होती है रेडिएशन इंड्यूस म्यूकोसाइटिस या मुंह में छाले सिकाई की वजह से, उन पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने सब कलेक्ट किए हैं, उनके आंसर्स देने की कोशिश करूंगी मैं इस वीडियो में। इसके अलावा मैंने अपने YouTube वीडियो पे बहुत सारे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि मुंह में जब छाले हों तो क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या फूड का कैसे ध्यान रखना है, वो आप उसको देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेडिएशन म्यूकोसाइटिस? सिकाई के दौरान इस हिस्से के जितने भी कैंसर्स होते हैं, सिकाई के दौरान जो मुंह में छाले हो जाते हैं, जो वाइट पैचेस, रेड पैचेस, पेनफुल इन्फ्लेम्ड जो म्यूकोसा हो जाती है उसे रेडिएशन म्यूकोसाइटिस कहते हैं। सेकंड है, हाउ डू यू ट्रीट म्यूकोसाइटिस आफ्टर रेडिएशन? जो सिकाई की वजह से मुंह में छाले हो रहे हैं, जो म्यूकोसाइटिस होगा कैसे ट्रीट करते हो? उसके लिए आपको तीनों चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ न्यूट्रिशन, दूसरा हाइजीन, तीसरा गार्गल। ठीक है, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो उसको ठीक करता है। उसके लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे पेज पे जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। गार्गल कैसे बनाना है, कितनी बार करना है, न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखना है सिकाई के दौरान, और क्या रेडिएशन म्यूकोसाइटिस को रोकने के टिप्स हैं, वो आप देख लेना। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज रेडिएशन इंड्यूस म्यूकोसाइटिस लास्ट? रेडिएशन से होने वाली जो म्यूकोसाइटिस है वो कितने लंबे समय तक टिकती है? जनरली ये 2 से 3 हफ्ते में होना शुरू होती है, ज़्यादातर लोगों को 2 हफ्ते से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और सिकाई पूरी होने के 4 से 6 हफ्ते तक ये कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दी बेस्ट मेडिसिन फॉर म्यूकोसाइटिस? सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है मैजिक गार्गल, जिसे मैं बोलती हूँ सोडा सेलाइन गार्गल। कैसे है, क्या है, लिंक आई बटन में है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। डज म्यूकोसाइटिस गो अवे? यस, 100% पेशेंट में 100% ये चली जाती है ओवर दी टाइम आफ्टर दी कम्प्लीशन ऑफ द रेडिएशन ट्रीटमेंट। जैसे आपका रेडिएशन ट्रीटमेंट कम्प्लीट होगा उसके अगले दिन से रेडिएशन म्यूकोसाइटिस सबसाइड होना, ठीक होना शुरू होती है और 6 हफ्ते और 8 हफ्ते तक खत्म हो जाती है। इस म्यूकोसाइटिस परमानेंट नहीं, म्यूकोसाइटिस परमानेंट नहीं होती है। हाउ लॉन्ग आफ्टर रेडियोथेरेपी डज म्यूकोसाइटिस अपीयर? सिकाई शुरू होने के कितने दिन के बाद म्यूकोसाइटिस अपीयर होगी? मैंने जैसे कि बताया, सिकाई शुरू होने के 10 दिन के बाद से म्यूकोसाइटिस होना शुरू हो जाती है। व्हाट फूड शुड बी अवॉइडेड विद म्यूकोसाइटिस? कौन कौन से फूड आपको म्यूकोसाइटिस के दौरान अवॉइड करने हैं, इस पर मेरा एक अलग से वीडियो है कि सिकाई के दौरान किन चीज़ों को खाना है, किन को नहीं खाना है। बट फिर भी मैं बता देती हूँ, सारे वो फूड जो खट्टे हैं, या तो जूस या फ्रूट्स, या फिर जो अनकुक्ड हैं या कम कुक्ड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, कच्चे हैं, वो सब आपको अवॉइड करने हैं। स्पेशली क्या अवॉइड करना है क्या नहीं, वो मेरे आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। हाउ डू यू ट्रीट म्यूकोसाइटिस एट होम? घर पर आप म्यूकोसाइटिस को कैसे ट्रीट करोगे? घर पर म्यूकोसाइटिस का ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है सोडा सलाइन गार्गल। उसको घर के यानी कि जो किचन में सोडा या खाने वाला नमक एंड खाने वाला सोडा जो होता है उसी से ही बनाया जाता है, तो आप हर 2 घंटे पर उस कुल्ले को यूज़ करके म्यूकोसाइटिस को ट्रीट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। व्हाट माउथ वॉश इज गुड फॉर म्यूकोसाइटिस? मैं ये ऑलरेडी 2-3 बार बता चुकी हूँ, स्टिल मैं इस क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, सोडा सेलाइन गार्गल। दिस इज द मैजिक गार्गल फॉर द रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूकोसाइटिस। हाउ लॉन्ग डज रेडिएशन टेक टू क्लियर अप? ज़्यादातर रेडिएशन के जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं, रेडिएशन के साइड इफेक्ट एक्यूट एंड लेट होते हैं, तो जो एक्यूट साइड इफेक्ट होते हैं वो ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट शुरू होते हैं, और रेडिएशन ट्रीटमेंट खत्म होने के 6 से 8 हफ्ते में, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम लेंगे 12 हफ्ते, इतने टाइम पीरियड में सारे साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं एक्यूट। लेकिन लेट साइड इफेक्ट वो महीनों सालों बाद आते हैं और उनका अपना अलग अलग मैनेजमेंट है। लेट साइड इफेक्ट रेडिएशन इंड्यूस्ड पर मैंने ऑलरेडी अपने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, Part 1 Part 2 करके, उन्हें देखना मत भूलना, बहुत ज़रूरी वीडियोज़ हैं, तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन एक्यूट साइड इफेक्ट 8 से 12 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं। वाट कैन यू ईट विद म्यूकोसाइटिस? एनी फूड विच इज़ पैलेटेबल, मतलब आप जो इजीली खा पाओ, जो प्रॉब्लम ना करे, जो मुंह में ना लगे, चबाने में प्रॉब्लम ना हो, आप सब कुछ खा सकते हो। आपको कच्चे नहीं खाने, अंडरकुक्ड नहीं खाना, बहुत ही स्पाइसी, ऑयली एंड जो ग्रीसी फूड होते हैं वो नहीं खाने हैं, खट्टे तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि खट्टे हैं, माउथ सोर हो रखा है तो वो लगेगा।
इज कर्ड गुड फॉर माउथ अल्सर? यस, यू कैन टेक दही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का जमा हुआ मीठा दही आप खा सकते हो. बनाना, एप्पल एंड वाटरमेलन गुड फॉर माउथ अल्सर? मैंने जैसे बताया न्यूट्रिशन वाला, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बता रखा है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है. बट अगर पर्टिकुलरली आप इन फ्रूट्स के बारे में जानना चाहते हो तो यस खा सकते हो, लेकिन एप्पल को आप, क्योंकि हार्ड होता है आप चबा नहीं पाओगे सिकाई के दौरान, मुंह में छाले होते हैं, गम्स टीथ सब बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इसीलिए आपको एप्पल का शेक बना के आप ले सकते हो, वाटरमेलन आप जूस निकाल के पी सकते हो, एंड थर्ड था बनाना, यस बनाना का शेक आप ले सकते हो. और शेक आप लेने के प्लस पॉइंट ये भी होता है ना, क्योंकि उसमें बर्फ आप वगैरह डालते हो या ठंडा कुछ लेते हो तो वो मुंह में सूदिंग का इफेक्ट करता है, मुंह के छालों के लिए वो अच्छा होता है. व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर द म्यूकोसाइटिस? रिस्क फैक्टर बेसिकली, एक तो आपका इम्यूनिटी, रेडिएशन ट्रीटमेंट हो रहा है, म्यूकोसाइटिस होगी ही, लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है? अपनी इम्यूनिटी का, खाने पीने का, हाइजीन का, गार्गल का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. वैसे रिस्क फैक्टर होते हैं कि अगर पेशेंट को ऑलरेडी कीमोथेरेपी लगी हो रेडिएशन शुरू होने से पहले, पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट स्मोक कर रहा है, बीड़ी सिगरेट अगर ले रहा है, मतलब जो चीज़ें अवॉइड करनी है आप ले रहे हो सिकाई के दौरान, अगर आप उन्हें खा पी रहे हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो जाते हैं. व्हाट मेक्स म्यूकोसाइटिस वर्स? ड्यूरिंग रेडिएशन म्यूकोसाइटिस होगा ही होगा, बट म्यूकोसाइट रेडिएशन के दौरान जो वीकली कीमोथेरेपी लगती है उसकी वजह से ये छाले थोड़ा एग्रावेट हो जाते हैं. अगर आपने अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं दिया है तब एग्रावेट हो जाएंगे, अगर आपने अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दिया है, खाने पीने का ध्यान नहीं दिया है, तब एग्रावेट हो जाएंगे. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एग्रावेट करते हैं. इज एनी वे टू अवॉइड ओरल म्यूकोसाइटिस? यस, हाइजीन का ध्यान दो, कुल्ले करो, खूब पानी पियो, हाइड्रेशन मेंटेन रखो, न्यूट्रिशन का ध्यान दो, जो भी इसको एग्रावेट कर रहे हैं उनको अवॉइड करो. तो ऑब्वियसली बात है आप उनको उसको अवॉइड कर सकते हो, कंप्लीटली अवॉइड पॉसिबल नहीं है. आप म्यूकोसाइटिस के ग्रेड होते हैं 1, 2, 3, 4, तो आप ना ग्रेडिंग को कम कर सकते हो. जैसे अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान दिया तो जो ग्रेड 3 और 4 में होने वाले रिएक्शन थे वो नहीं होंगे, 1 और 2 में ही होकर रह जाएंगे, लेकिन म्यूकोसाइटिस होगा ज़रूर. इज रेडिएशन इंटरप्शन नीडेड फॉर म्यूकोसाइटिस? जनरली वी डोंट एडवाइज रेडिएशन इंटरप्शन. हम चाहते हैं कि जब भी आपका रेडिएशन शुरू हो वो कंप्लीट हो, ऐसा नहीं है कि आपने आधा लिया आधा नहीं लिया या हफ्ते 10 दिन का गैप ले लिया, नहीं, ये एडवाइजेबल नहीं है. बट पेशेंट की सिचुएशन इतनी वर्स हो जाती है कि हमें ब्रेक देना पड़ता है, 1-2 दिन के लिए ब्रेक दे दिया, पेशेंट के हाइजीन का ध्यान दिया, न्यूट्रिशन का ध्यान दिया, एंटीबायोटिक एंटीफंगल का कवरेज दिया एडमिट करके, ये सब चीज़ें होती हैं किसी किसी पेशेंट में. तो 2-3 दिन का ब्रेक एडवाइजेबल है, बट नॉट फॉर मोर देन 5 और 6 और 7 डेज. इनफैक्ट 2-3 डेज इज एक्सेप्टेबल, नॉट मोर देन दैट. नेक्स्ट एंड लास्ट इज इट पॉसिबल टू सफर फ्रॉम ओरल म्यूकोसाइटिस आफ्टर रेडिएशन ट्रीटमेंट ओवर? नहीं, जब आपका रेडिएशन ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तो उसके लास्ट डे से ही जो जितने भी साइड इफेक्ट हैं एक्यूट वो सबसाइड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक होना शुरू हो जाते हैं, और ये साइड इफेक्ट 8 से 12 हफ्ते तक सारे खत्म हो जाते हैं. लेकिन किसी किसी पेशेंट में ये भी देखा गया है कि जब रेडिएशन ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है ना तो उनके ना जो कुछ सिम्टम्स होते हैं ना वो एग्रावेट हो जाते हैं इन नेक्स्ट 1 और 2 वीक. यानी कि रेडिएशन जैसे आज पूरा हुआ तो हो सकता है वो अगले हफ्ते 10 दिन में ज़्यादा अपने सिम्टम्स को फील करें, ज़्यादा एग्रेसिवनेस या ग्रेडिंग ज़्यादा फील करें. बट वो भी अगर आप अपना जो भी मैंने एडवाइस किया है न्यूट्रिशन केयर हाइजीन इन सब पे आप ध्यान देंगे तो वो भी नेक्स्ट 8 से 12 वीक्स में खत्म हो जाएंगे. तो रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूकोसाइटिस, मुंह में होने वाले छालों पर जितने भी क्वेश्चंस मुझसे लोगों ने पूछे या फिर जो मेरी प्रैक्टिस में मुझसे पेशेंट आके ओपीडी में पूछते हैं, मैंने सबके जवाब दिए हैं. अगर फिर भी किसी का कोई डाउट या कुछ क्वेरी है आप कमेंट डाल दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगी टाइम निकाल के. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर विद अदर्स. थैंक यू सो मच.